अपनी हनक में भौकाल मचाने वाला और ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला को भद्दी गालियां बकने वाला गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी मेरठ से की गई है। इसे लेकर खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई थी और गृह विभाग से इसकी रिपोर्ट भी मांगी थी। लिहाजा कुछ दिन पुलिस के चंगुल से फरार रहने के बाद इसे आखिरकार पकड़ लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब उसकी पत्नी को नोएडा फेज 2 थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके अवैध निर्माण को लेकर उसकी पत्नी से रविवार को भी पूछताछ की गई थी। सोमवार को इसके कई अवैध कंस्ट्रक्शंस पर प्रशासन ने पीला पंजा भी चलाया। श्रीकांत त्यागी को लेकर कहा जाता है कि उसके पास बहुत सी संपत्तियां हैं, जिनमें से बहुत सी अवैध भी बताई जाती हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अब उसकी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। ये मूल रूप से भंगेल का रहने वाला है। भंगेल नोएडा में ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले भंगेल में ही उसकी 60 दुकानें हैं। इसके अलावा उसके पास एक धर्म काटा भी है, जबकि 60 दुकानें उसने किराए पर दे रखी हैं। बताया जाता है कि यहां से मिलने वाला किराया ही उसकी आय का प्रमुख स्रोत है। महिला के साथ गाली गलौज करने की वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं में आए श्रीकांत त्यागी को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कई नेताओं के साथ उसके कथित संबंधों के बावजूद उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जा रही। वो खुद नोएडा में ही ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के एक फ्लैट में रहता है। इस सोसाइटी में फ्लैट की कीमत 80 लाख रूपए से लेकर 125 करोड़ रूपए तक है। सोमवार को ही इंटेलिजेंस और GST की एक टीम उसके यहाँ पहुंची और उसकी संपत्तियों के बारे में तफ्तीश की। सूत्रों के मुताबिक उसकी बहुत सी संपत्तियों का पता चला है। उसकी संपत्तियों की जांच करने पहुंची टीम ने उससे जुड़े कागजात खंगाले। नोएडा फेज 2 में भंगेल में श्रीकांत त्यागी ने अपनी एक मार्केट बना रखी है, जिसमें 60 दुकानें हैं और सभी दुकानें उसने किराए पर चढ़ा रखी हैं। यहां से हर महीने उसे लाखों रुपए की आय होती है। इस गालीबाज नेता को लेकर कहा जा रहा है कि यह हाल फिलहाल बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले ये BSP के साथ था और BSP के कद्दावर नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का ये करीबी भी बताया जाता है, लेकिन बाद में ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही बीजेपी में शामिल हो गया था। पिछले चुनाव में इसने गाजियाबाद से टिकट की भी इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी ने इसे टिकट नहीं दिया था। इस बीच बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई, जिस पर नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने कहा कि फोटो कोई भी किसी के साथ भी खिंचवा सकता है। विधायक पंकज सिंह का कहना है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।